See, आपको पता ही है, as you know, you have two deaths in our church family. So the Richard's sister-in-law has passed away in Houston, Texas. Weren't you with that 2 weeks ago? 19 April. She's with the Lord, and also Rani, Bajik's brother, Chinesh, he's also passed her? Last Friday. He was very young. They're both family going through some hard time right now. But we need your prayers together. ताकि आप लोग इनके लिए दुआ करें, so God give them peace and comfort in their spirit. ताकि बात जो है इनको शांति, तसल्ली, इत्मीनान दे, ताकि उसकी तसल्ली इत्मीनान इस गांव को, इस जख्म को भर सके. और खुदा बाप जो है इनको जो फिर से जो कंटिन्यू अपने काम काज में जो जैसे पहले थे वैसे करने की हिम्मत दे. तो आज का जो ये मंच जो है ब्रदर सिस्टर और सिस्टर निगल दोनों की तरफ से जो है दिए गए हैं, दोनों फैमिली के साथ बैठकर अफसोस जाहिर करने के लिए और इनका हौसला और तसली जो है बरकरार करने के लिए, ताकि ये जो है अपने जिंदगी आगे बढ़ सके. इस बात को जाहिर करने के लिए ये पूरा चर्च जो है इनके दुख के साथ इनके साथ शामिल है. ये अकेले नहीं है, इस हालात में से गुजर रहे हैं. हम सब एज ए फैमिली इनके साथ है और खुदावन जो है हम सबके साथ है. तो आया सब जो है इनके लिए दुआ करते हुए इस खाने के लिए खुदावन से मांगे, अपनी आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं. खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सामने धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए जो हो चुकी है. परमेश्वर जानते हैं कि ये दोनों फैमिलीज खुदावन तुझ पर ईमान रखती हैं, इनके अजीज आज इनके साथ नहीं है, लेकिन तेरे साथ है परमेश्वर, क्योंकि तेरे कलाम के मुताबिक हम ईमान रखते हैं कि जो लोग तुझ पर ईमान लाते हैं वो कभी मरते नहीं, वो सो जाते हैं और एक दिन फिर से वो जिंदा होंगे और तेरे सामने होंगे परमेश्वर. हम उसी उम्मीद के साथ एक दूसरे को तसल्ली और इत्मीनान देते हैं आज मिलकर एज ए फैमिली. खुदा हम जानते हैं कि हम सब भी एक दिन इसी तरीके से तेरे पास लौट आएंगे. खुदा इनके खानदानों में तेरा बरकत का हाथ बना रहे, इनके जो परमेश्वर अजीज पाकिस्तान में है उन पे खुदा तेरी आशीष बरकत हमेशा बनी रहे, उनके दिल तसल्ली इत्मीनान हासिल करे तेरे पाक रूह के जरिए, तेरे कलाम के ताकत से वो परमेश्वर पहले से भी मजबूत हो जाए दिल में, ताकि वो भी अपनी तैयारी करने में लग जाए. परमेश्वर हम जानते हैं कि परमेश्वर तेरे घर में तेरे खुदा और बादशाही में किसी की उम्र का कोई परमेश्वर जिक्र नहीं आता है, कब कहां वो लौट जाएगा तू जानता है परमेश्वर, तू ही आने और जाने का टाइम जो है वो कर्म करता है. दुआ करते हैं परमेश्वर पूरे चर्च के लिए, अपने लोगों को संभाल कर रख, खास करके दुआ करते हैं सिस्टर की फैमिली के लिए परमेश्वर, जिन्होंने ये परमेश्वर ऑफरिंग दी है इस खुदावंद तेरे घर में, ताकि मिलकर बैठकर हम एक दूसरे के साथ तसल्ली इत्मीनान की बातें कर सके. इस फैमिली को परमेश्वर बरकत दे, आशीष दे, आसमान की खिड़कियां खोल कर इनके खुदावंद जितने भी परमेश्वर रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल, उनको तू आशीष बरकत दे, इस खाने पे तेरा हाथ बना दे परमेश्वर, किसी भी चीज की कमी ना हो, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं. बड़ी बरकत दे, वो हमारे दुख में हमारे साथ शरीक हुए, और मैं सिस्टर रानी की तरफ से ये बात कहता हूँ, खुदा आपको बहुत बरकत दे, और ऐसे ही किसी के दुख सुख में ऐसे ही एक दूसरे के साथ चलते रहे. शुक्रिया. थैंक यू. तो ये हमारी सब मसीही मोहब्बत है जो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, और उसका इत्मीनान जो है वो हम सब के साथ रहेगा. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. फैमिली जो है